नमस्ते दोस्तों, निशा किचन में आपका स्वागत है। निशा की आसान सी रेसिपी आज दोस्तों बनाएंगे बथुआ की दाल। बथुआ की दाल बनाना दोस्तों बहुत आसान है और जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों इस तरीका का बथुआ है जो बाजार में आसानी से मिल जाता है सब्जी मंडी में। दोस्तों इसे हमने इसे साफ कर लिया था, इसकी जड़ें निकाल दी थी। दोस्तों इसे हमने दो तीन बार पानी में धुल दिया। इसके साथ में दाल उड़द की लेंगे दोस्तों, जो काली वाली उड़द की दाल मिल जाती है वही उड़द की दाल है दोस्तों। इसके साथ में बनाएंगे बथुआ की दाल दोस्तों, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है और बनाना भी दोस्तों बहुत आसानी से। हमने दोस्तों दो तीन बार पानी से धुल लिया। अब दोस्तों इसे प्रेशर कुकर में उबलने के लिए रखेंगे। दोस्तों एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसी में जो बथुआ सारा इसी में डाल देंगे। इसकी दाल दोस्तों बहुत अच्छी लगती है और बनाना भी दोस्तों बहुत आसान है और बिल्कुल सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं आपको बनाना बथुआ की दाल, और जो खाने में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। इसी में दोस्तों थोड़ा पानी डालेंगे हम कि जिसे उबल जाए, और पानी इसका फेंकेंगे नहीं, बिल्कुल इसी में यूज कर लेंगे। अब इसे एक सीटी लगाएंगे दोस्तों, इसका ढक्कन कर देंगे बंद, इसमें लगाएंगे एक सीटी। प्रेशर इसका हमने खत्म कर दिया, ढक्कन निकाल लिया है दोस्तों। देखो दोस्तों इस तरीका से उबल गया है, बिल्कुल हमने इसमें एक ही सीटी लगाई थी। अब दोस्तों इसे मिक्सी जार में इसे पीसेंगे। वापिस हम वही इसी में पानी डाल देंगे दोस्तों, पानी फेंकेंगे नहीं। बथुआ का पानी इसी में डाल दिया है, दो गिलास हम समझो दो गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अब जो हमने बथुआ रखा है, ये बथुआ है, इसे हम पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लिया है दोस्तों हमने, देखो बिल्कुल इसका पेस्ट बना लिया है। अब वही प्रेशर कुकर में डालेंगे दोस्तों। इधर हमने उड़द की दाल ले ली है, उड़द की दाल हमने धुल ली है दो तीन बार पानी से दोस्तों, इसी के साथ हम बनाएंगे। कि दोस्तों दाल बहुत अच्छी लगती है और इसे दोस्तों बनाना भी बहुत आसान है। इसे हम प्रेशर कुकर में डालेंगे दोस्तों। इधर हमने पानी रखी दिया है, वही पानी में हम इसे बनाएंगे दोस्तों। इसे धुल के भी इसी में डाल देंगे। जो दाल हमने धुली है उड़द की, इसी में दोस्तों उड़द की दाल भी डाल देंगे। इसे हमने दो तीन बार पानी से धुल लिया है बिल्कुल, इसी में दोस्तों सारी दाल डाल देंगे। दोस्तों हमने बथुआ भी इसमें डाल दिया है, दाल भी उड़द की डाल दी है दोस्तों। आधा केजी हमारे पास बथुआ था, इससे एक कटोरी उड़द की दाल थी, एक कटोरी से कमी थी दोस्तों। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे दोस्तों। अब डालना चाहो हल्दी डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो इसमें मत डालो। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे एक पिंच, डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो। इसमें दोस्तों हम तीन से चार सीटी लेंगे दोस्तों, इसका ढक्कन कर देंगे बंद। तीन से चार सीटी लगाएंगे, धीमी आंच पे इसे पकाएंगे। तीन से चार सीटी लगाएंगे धीमी आंच पे दोस्तों, इसे पकाएंगे। दोस्तों प्रेशर हमारा खत्म हो गया, इसे हमने प्रेशर खत्म कर दिया है। इसका दोस्तों ढक्कन हटाएंगे, इसका ढक्कन खोल दिए हैं, देखेंगे दाल कैसी बनी। देखो दाल हमारी बनके रेडी है, बिल्कुल हमें इसी तरह बनाना था दोस्तों। अजय खाने में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, बथुआ की दाल बनके रेडी है। इधर हमने एक पतीला चढ़ा दिया, पतीला में सरसों का तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। इसी में दोस्तों हम ये तीन हरी लाल मिर्ची है इसी में डाल देंगे दोस्तों। लाल मिर्ची चिटक जाएंगी तो इसी में एक चुटकी जीरा डालेंगे। जीरा हमारा चटक गया है, लहसुन भी कर लेंगे दोस्तों, इसी में डाल देंगे। एक दो सौ हमने प्याज काट के रखा है, इसी में डाल देंगे छोटा सा। इसे सुनहरा कलर आने तक इसे भून लेंगे। फिर इसी में दोस्तों की जो दाल है बथुआ की बना के रखी है इसी में फ्राई करेंगे। इसमें आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, इसे मिर्ची को निकाल लेंगे दोस्तों। निकाल लिए हैं दोस्तों हमने, इतनी सी पड़ी रही।
इसी में दोस्तों दाल है बना के रखी है मतलब की इसी में फ्राई कर देंगे। दोस्तों बथुआ की दाल बनके रेडी है। इसे दोस्तों बनाना बहुत आसान है, इसे खाने में बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों जो बथुआ की दाल बनाने का आपको तरीका हमारा पसंद आता हो दोस्तों बथुआ की दाल बनके रेडी है। इसे दोस्तों बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसे चाहे चावल के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं, ये सभी के साथ दोस्तों अच्छी लगती है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।